हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे बाल मित्रों हमने क्लास वन की मैथ में गणित के जादू में हमने देखा इकाई और दहाई की संख्या में तो अब हम आगे देखेंगे तो चलिए तो हमने वहाँ बंडल सीखा अब आगे हम देखते हैं समूहों को भी सीखा अब यहाँ समूहों और हम इकाई दहाई की संख्या को सीखते हैं तो चलिए यहाँ देखिए दस का समूह बनाइए और संख्या लिखिए तो हमें दस का समूह बनाना है तो हमने समूह बनाना सीखा तो चलिए हम यहाँ भी समूह बनाते हैं यह देखिए है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ यह नौ यह दस तो एक बंडल में दस अंक होते हैं तो यह दस लैम्प हम बनाएंगे तो यह हुआ एक बंडल यानी तो चलिए इकाई की संख्या हो गई हमारी जो यह छोटी हुई संख्या है तो चलिए हम इसे गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच तो यहाँ हम लिखेंगे पाँच जिनको हमने समूहों में नहीं बनाया वह है हमारी इकाई की संख्या और जिन्हें हमने समूहों में बनाया वह है हमारी दहाई की संख्या तो हमने यहाँ कितने समूह बनाया यहाँ सोचिए तो यह हमने एक समूह बनाया किसका दस का एक समूह तो यह हुए हमारे एक तो हम यहाँ लिखेंगे एक क्योंकि हमने एक समूह बनाया तो यह हो गए हमारे पंद्रह कितने हुए पंद्रह अब हम नीचे देखेंगे हमें दस के ही समूह बनाना है तो चलिए हम गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस यहाँ दस के एक समूह हमारा बन गया अब बचे कितने वह हम गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ बचे तो आठ इकाई की संख्या होती है तो हम इकाई में लिख देते हैं आठ और हमारा कितना समूह बना एक समूह बना तो हम एक लिखेंगे तो यह हो गया अट्ठारह तो यहाँ हम लिखेंगे अट्ठारह अब हम नीचे देखेंगे यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है टोपी का चित्र है तो चलिए हम इसमें भी समूह बनाते हैं तो एक समूह में कितनी संख्या कितनी टोपियाँ लेंगे दस तो हम गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और यह दस तो हम एक समूह बनाते हैं हमें समूह कितना बनाना है एक क्योंकि एक समूह में हमें दस टोपियाँ रखनी हैं तो यह दस का एक समूह हुआ अब बची कितनी वाह हम गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तो यहाँ नौ इकाई में हम लिखेंगे नौ जिसका समूह नहीं बचा बना वह नौ संख्या है और जिसके समूह बन गए वह समूह बना पर कितना बना एक समूह तो वह एक हुआ तो हमारा हुआ उन्नीस टोटल टोपिया उन्नीस चलिए हम यहाँ देखेंगे यहाँ भी देखिए यहाँ लिखा हुआ है दस का समूह बनाए तो हमने वहाँ समूह बनाना सीखा ठीक उसी प्रकार हम यहाँ समूह बनाएंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो यहाँ दस के समूह हमारे बन गए तो यह हमारा यह समूह तैयार हो गया तो यह समूह अब यह बचे कितने वहाँ बचे इकाई में हम लिखेंगे एक बचा है इकाई में अब समूह बना तो कितने समूह बने एक समूह बने तो हम एक लिखेंगे अब यहाँ मिलाकर कुल कितने हुए ग्यारह एक इकाई एक दहाई बराबर ग्यारह अब हम यहाँ कैची देखेंगे इसका एक समूह बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो यह एक समूह हमें बनाना है तो चलिए यह दस के एक समूह अब बचे कितने एक दो तीन चार पाँच छः तो यह छः बचे तो इकाई में हम छः लिखेंगे एक समूह बना तो यहाँ हम एक लिखेंगे एक और छः मिलाकर हुए सोलह तो यहाँ हम लिखेंगे छः इकाई बरा छः इकाई और एक दहाई बराबर सोलह तो यहाँ हम देखेंगे एक समूह अब हम कैटली के बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो हम यह समूह बना लेते हैं अब बचा कितना इकाई में एक दो तीन तो हम यहाँ तीन लिखेंगे दहाई में कितने समूह हैं एक समूह तो मिला हुए तेरह तो चलिए हम नीचे देखते हैं या फावड़ा है जिससे मिट्टी खनी जाती है खोदी जाती है तो हम उसे उसका समूह बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो हम यहाँ कुछ इस प्रकार से एक समूह बनाएंगे यह हमारा समूह बन गया बचे कितने एक दो तीन चार तो यह चार तो हम यहाँ लिखेंगे चार इकाई में चार और समूह हमारा बना एक यानी यह हुआ चौदह यह हुए चौदह तो हम यह हमारे चौदह हुए तो यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है धन्यवाद